दोस्तों अगर आप भी सैमसन और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ अपने T20 करियर का पहला शतक ठोककर रो पड़े संजू सैमसन, लेकिन 40 गेंदों में 111 रन जड़ने के बाद इस खिलाड़ी ने आज सूर्य, रोहित शर्मा और धोनी पर कुछ ऐसा कहा ना, साथ ही साथ अपना अवार्ड भी टीम में सूर्य को देकर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वाकई में सबका दिल जीत लिया है। सैमसन के भावुक बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या सैमसन को आगे भी T20 क्रिकेट भारत से खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। 200 T20 क्रिकेट के इतिहास में आज इतिहासों का इतिहास रचा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने इतिहास को बदलते हुए अपने पूरे क्रिकेट टाइम का सबसे हाईएस्ट T20 टोटल बना दिया। आज भारतीय क्रिकेट टीम 290 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है, और यकीन मानिए आज तक कोई भी बड़े ओहदे वाली टीम 290 या 300 के करीब पहुंच ही नहीं पाई है। हाँ, नेपाल ने जरूर बनाए हैं रन, लेकिन मंगोलिया की जैसी टीम के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो भारत ने इतिहास रचा है बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ 290 रन बनाने का। लेकिन दोस्तों इस पूरे खेल की रचना रची थी आज भारत के उस इकलौते विकेटकीपर बैट्समैन ने जिसने T20 में इतिहास रचा, और इकलौता ऐसा बल्लेबाज बन गया जिसने T20 में शतक लगाया है। दोस्तों बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। भारत के इस ऐतिहासिक इनिंग की नींव रखने वाले संजू ने दोस्तों आज लगता है कि अपने करियर की सारी मेहनत को मैदान में दिखाने का पूरा जुनून उठा लिया था। 47 गेंदों में 236 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के और 11 चौकों से बने इनके 111 रन, जिससे हमारे दोस्तों सूर्य को भी इतनी पावर मिली कि वो 35 में 75 रन ठोक गए। रियान पराग 13 में 34, और पांड्या का तो क्या ही कहना, वो तो 16 में 41 रन बनाकर बैठे थे 19वें ओवर तक। दोस्तों सभी खिलाड़ियों ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी जिससे का भारत का स्कोर 300 के करीब पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों सबसे मुख्य भूमिका रही संजू सैमसन की, जिन्होंने आज क्रिकेट की दुनिया में इज्जत और नाम फिर से दोनों वापस से कमा लिया है। लेकिन दोस्तों अपना शतक जड़ने के बाद बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे संजू सैमसन। अपना अवार्ड सूर्य को तो उन्होंने दिया ही, साथ ही साथ रोहित और धोनी को भी याद कर लिया इस पावन अवसर पर। दोस्तों संजू सैमसन ने शतक जड़ने के बाद अपने भावुक बयान में कहा, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे तो हर बार जब भी मुझे मौका मिला, मैं अपने भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया, और मानता हूँ कि इस सीरीज़ में भी मैं अपने कप्तान सूर्य की उम्मीदों में अब तक खरा नहीं उतरा हूँ। लेकिन आज जब मैं मैदान में आया ना, तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी कि यह आखिरी मौका है ज़िंदगी का, तो उसी तरीके से खेलना है। सच बताऊं तो कप्तान सूर्या ने मुझे आते ही प्रोत्साहित कर दिया था अभिषेक के विकेट गिरने के बाद कि तुम्हें अपना नेचुरल गेम खेलना है, संजू सैमसन वाला गेम खेलना है, और मैंने उसी पर ध्यान दिया। ये 111 रन की पारी में मैदान से पहले सोच कर नहीं आया था बाहर से, लेकिन मैदान में आकर जिस कदर सूर्या भाई ने कप्तान बनकर, लीडर बनकर मेरा साथ दिया, उसी के दम पर यह पारी लग पाई है। और उससे भी ज्यादा तो मैं इस बात से खुश हूं कि हमारी टीम के बाकी खिलाड़ी सूर्य भाई खुद ब खुद, उसके बाद रियान पराग और हार्दिक पांड्या, सबने इतनी बेहतरीन पारियां खेली कि आज हमने एक ऐतिहासिक टोटल बना दिया है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि मुझे अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये अवार्ड डिजर्व करते हैं सूर्या और मेरे सीनियर रोहित और धोनी, क्योंकि उनसे मैंने क्रिकेट के करियर के हर एक मोड़ पर बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे इस बात को पहले भी कहा था कि तुम्हारा भी वक्त आएगा, बस सब्र रखो, और आज वो दिन आ ही चुका है। मैं उन 100 करोड़ देशवासियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुश्किल वक्त में मुझे हमेशा समर्थन करते रहे थे। वाकई में ये एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों सैमसन का बयान दिल जीतने वाला है। पहले पारी से दिल जीता, उसके बाद उनके शब्द दिल जीत ले गए। वैसे आप सभी उनके शतक को, इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज, नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।